इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो, उसके प्रीलिम्स में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और याद रखिए वन डे एग्जाम में भी आपकी पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 2400 यानी कि 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की ममी क्यों चर्चा में है? लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर में अत्यधिक वर्षा के कारण जल भराव होने से ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखी 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की ममी को सुरक्षित किया गया है। मम्मी नहीं, ममी, ठीक है। याद रखिए अब अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की बात करें तो ये है, देखिए राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में जयपुर में, ठीक है। राजस्थान के जयपुर शहर में आपको देखने को मिलेगा। एक बात और याद रखिए, आपको जब भी इस तरह की चर्चा में रहते हैं, वैसे तो आपको याद रखिए कि पूर्व सभी राज्य आपको उनकी सीमाओं को याद रखिए, कितने राज्यों से मिलती है, कहाँ क्या है, इसके बारे में थोड़े पॉइंट अच्छे से याद रख लिया करिएगा। राजस्थान आपको दिख रहा होगा, इसकी सीमा आपको गुजरात से भी लगती दिखाई देगी, मध्य प्रदेश से भी लगती दिखाई देगी, किससे? मध्य प्रदेश से भी। इसकी सीमा आपको उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से भी इसकी सीमा लगती है, किससे? पंजाब से भी इसकी सीमा लगती है। एक बात और आपको बताऊं, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, किससे? पाकिस्तान से भी राजस्थान की सीमा लगती है, तो याद रखना। अगर इसके बारे में आप वैसे बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट याद रख लीजिए, जैसे जैसे आपको इसके गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में राजस्थान पहले नंबर पर है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है। 33 जिले हैं, जिले बदलते रहते हैं तो इसके समय के हिसाब से करंट से जुड़े रही है। आपको देखने को मिलेगा हिंदी और ब्रज भाषा बोली जाती है। विधानसभा सीटें 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं, ठीक है। यही इनसे पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हम लोग, ये पिक्चर्स दिख रही होगी, ये है मिस्र की ममी, ठीक है। इसके बारे में प्रमुख बिंदु देखें तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के अधिकारियों के अनुसार यदि ममी टोटो मिस्र के टोलेमिक युग यानी कि 322 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व से पहले की है। अब ईसा पूर्व का मतलब आपको कई बार समझा चुका हूं, ईसवी और ईसा पूर्व में यही अंतर है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की डेट को आप लोग ईसा पूर्व कह देते हैं, जिसे आप लोग बीसी के नाम से भी जानते हैं, और उनके जन्म की बाद की डेट को आप लोग क्या कह देते हैं? ईसवी कह देते हैं। एक तरह से, इस तरह से मानिए कि आपका जन्म हुआ तो आपके परिवार ने एक निर्धारित कर लिया कि आपके जन्म से पहले उन्होंने ये मकान बनवाया था, तो क्या बोलेंगे? आपके जन्म से कुछ सालों पहले उन्होंने ये मकान बनवाया था। और अगर आप आपके बाद जन्म के बाद उन्होंने मकान बनवाया तो वो क्या कहेंगे? हमने अपने बच्चे के जन्म के बाद ईसवी, ठीक है। तो ईसा पूर्व ईसवी में यही अंतर है। यह ममी मिस्र के पुजारी परिवार की एक महिला सदस्य टोटो की है। इसे मिस्र के प्राचीन शहर पानोपोलिस के अखमीन क्षेत्र में 300 से अधिक वर्षों पहले प्राप्त किया गया था। इस ममी भारत में केवल 6 में से एक है जो जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई ईश्वर सिंह को वर्ष 1887 में जयपुर में एक प्रदर्शनी के लिए काहिरा मिस्र के संग्रहालय द्वारा उपहार में दिया गया था। अल्बर्ट हॉल के बारे में जान लेते हैं, संग्रहालय। जब जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है और राजस्थान के राज्य संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। यह इमारत जयपुर शहर के राम निवास उद्यान में अवस्थित है और इंडो सार्सेनिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी है। सारा सैनिक वास्तुकला को इंडो गोथिक वास्तुकला भी कहते हैं। इस इमारत को सर सैमुअल स्विंटन जैकब के द्वारा डिजाइन किया गया, जिनकी मदद मीर तुजुमुल हुसैन द्वारा की गई थी।
इसे वर्ष 1887 में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया था। अब आपको एक बात याद रखिए, किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, तो वन डे एग्जाम की जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या राजस्थान का कोई पेपर हो गया या किसी स्टेट का और भी कोई पेपर हो गया, तो इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि अभी हाल में या हाल में ही में एक चर्चा में थी, मिस्र की ममी एक किस राज्य से संबंधित थी, राजस्थान, कितने साल पुरानी है तो आप बता सकते हैं, किस संग्रहालय में रखी गई थी तब आप बता सकते हैं, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में, समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन। लेकिन यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में ममी, मिस्र की ममी या ममी ममी ठीक है, ये चर्चा में क्यों थी, तो आप बता सकते हैं, नीचे दिया जाएगा, राजस्थान के संग्रहालय में रखी हुई थी, अल्बर्ट हॉल में, सही है। फिर आपसे पूछ लेगा कितनी पुरानी है, तो आपको डेट दे देगा, आपको बताना होगा कि सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद संग्रहालय के बारे में पूछ लीजिएगा कुछ पॉइंट, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इससे अच्छे से पढ़ते रहा करिएगा, और जो राजस्थान, जो भी राज्य आपके चर्चा में रहता है उसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान दे लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखता हूं कि कई बार पूछ लेता है कि इसकी कितने राज्यों से सीमा लगती है, क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार, एक बार नहीं कई बार देखने को मिले। जंतर मंतर भी आप लोग सुनते रहते हैं, राजस्थान में ही है, पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय सीमा की पाकिस्तान से लगती है, और बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब से लगती है, ठीक है।